In this video, I am going to share with you all the lifetime worldwide box office collection of Bollywood film Arzu. Dosto Arzu, jo release hui thi 19 March 1999 ko, ye ek Bollywood drama movie hai jisko 5 mein se 3 star ki rating di gayi thi. Iske director hai Lawrence D'Souza, iske producer hai Vikas Mohan, iske writer hai Reema Rakesh Nath. चलिए बात कर लेते हैं कास्ट की. इसमें अक्षय कुमार, सैफ अली खान, माधुरी दीक्षित, परेश रावल, अमरीश पुरी, रीमा लागू और अरुणा ईरानी, ये सब इसमें लीड रोल में और सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे. लेकिन इनके अलावा भी फिल्म में काफी सारी कास्ट नजर आई थी. अब बात करते हैं कलेक्शंस की. फिल्म का इंडिया का लाइफ टाइम जो नेट कलेक्शन था वो था 5 करोड़ 60 लाख का, 5 करोड़ 60 लाख रुपीज का. इंडिया का लाइफ टाइम जो ग्रॉस कलेक्शन था वो था 9 करोड़ 53 लाख का, 9 करोड़ 53 लाख रुपीज का. इंडिया से बहार ओवर इस मार्केट में 2 करोड़ 23 लाख रुपए की कलेक्शन की थी, 2 करोड़ 23 लाख रुपीस की. और सब कुछ इंक्लूड करके फिल्म का लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड जो टोटल ग्रॉस कलेक्शन था वो था 11 करोड़ 76 लाख रुपए का, 11 करोड़ 76 लाख का. इसका बजट था 4 करोड़ 10 लाख का. अब 4 करोड़ 10 लाख के बजट के हिसाब से फिल्म का जो इंडिया का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन था 5 करोड़ 60 लाख और इंडिया से जो बाहर का कलेक्शन था 2 करोड़ 23 लाख. अगर दोनों को इंक्लूड करके वर्डेड की बात की जाए यानी कि हिट और फ्लॉप की, तो बता दें कि फिल्म आरजू बॉक्स ऑफिस पर अबव एवरेज साबित हुई थी. यानी कि फिल्म की जो ऑफिशियल वर्डिक्ट थी वो थी अबव एवरेज की. फिल्म की गानों की एल्बम में टोटल 8 गाने थे. गानों को कंपोज किया था अनु मलिक जी ने और गान के जो लिरिक्स होते हैं वो लिखे थे आनंद बख्शी जी ने. चलिए बात कर लेते हैं बेसिक स्टोरी की. अब स्टोरी में क्या होता है, जो अमरीश पुरी होते हैं वो चाहते हैं कि उनकी बेटी माधुरी की शादी उनके बचपन के दोस्त के बेटे के साथ यानी सैफ अली खान के साथ हो. लेकिन जो माधुरी है वो अक्षय कुमार से प्यार करती है जो कि एक पायलट होते हैं. अब ऐसे में क्या होता है, माधुरी दीक्षित के काफी कन्विंस करने के बाद उनकी फैमिली उनकी शादी अक्षय कुमार के साथ करने के लिए तैयार हो जाते हैं. लेकिन इस दौरान क्या होता है, शादी से कुछ टाइम पहले अक्षय कुमार की एक एक्सीडेंट में ऐसे दिखाते हैं कि मौत हो चुकी है. अब ना चाहते हुए भी माधुरी को सैफ अली खान से शादी करनी पड़ती है. और वही दूसरी तरफ माधुरी जो है वो अक्षय के बच्चे की मां बनने वाली होती है. अब साथ ही क्या होता है, कुछ टाइम बाद दिखाते हैं कि अक्षय कुमार वापस आ जाते हैं और वो माधुरी को बताते हैं कि उनकी जो मौत हुई थी, मतलब उनकी जो मौत का हादसा था वो पहले से किसी ने प्लान करके रखा हुआ था, लेकिन उस हादसे में अक्षय कुमार मरे नहीं थे. अब अक्षय कुमार के वापस आने के बाद माधुरी किसके साथ जाती है, क्या वो सैफ अली खान के पास जाती है या वो अक्षय कुमार के पास जाती है, ये तो आप लोगों को फिल्म देखकर पता चलेगा. तो चलिए दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही. मैं हूं जतिन आप सबका दोस्त और मेरे इस चैनल बॉलीव्यूज का होस्ट. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सब भी बन जाइए मेरे दोस्त. अब आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.